सो हेलो गाइज, वेलकम बैक, दिस आवर यूट्यूब चैनल। आज आपका स्वागत है न्यू वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन पत्ती वीआईपी तीन पत्ती गेम ऐप के बारे में। अगर आप भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और आपके ऐप में भी इस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, काफ़ी देर से लोडिंग नहीं हो रहा, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। अगर आपको कोई भी फ़ोन से रिलेटेड, कोई भी ऐप से रिलेटेड, कोई भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड, यूपीआई से रिलेटेड, पेटीएम से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत आता है, तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम वहाँ से भी सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस, इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है बैक, बैक जाने के बाद में आपको सेटिंग्स को करना है ओपन। सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे करना है क्लिक। ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको करना है स्क्रॉल और यहाँ पे तीन पत्ती वीआईपी तीन पत्ती गेम ऐप का ऑप्शन है, इस पर आपको करना है क्लिक। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टोरेज पर करना है क्लिक। स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लियर डेटा का ऑप्शन है, क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको डेटा कर लेना है क्लियर। डेटा को क्लियर करने के बाद में आपको जाना है बैक। बैक जाने के बाद में नीचे आपको परमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, परमिशन पे आपको करना है क्लिक। परमिशन पे क्लिक करने के बाद में आपको स्टेप से इंटरफेस देखने को मिलेगा, इन सबको देनी है आपको परमिशन। परमिशन देने के बाद में आपको जाना है बैक, सेटिंग्स को ऐप को करना है ओपन। तो गाइस, ऐप को ओपन करने के बाद में अकाउंट को करना है लॉगिन। अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी सॉल्व। तो इसी टाइप से अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।